गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद कांग्रेस पार्टी में खलबली मची हुई है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। गौरतलब है कि एक तरफ जहां चिट्ठी में गुलाम नबी आजाद ने बिखरती कांग्रेस पार्टी का जिम्मेदार राहुल गांधी को माना है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने राहुल गांधी का बचाव किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भारत के पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने इस मामले पर चिंता जाहिर करते हुए कहा, यह कोई परिपक्व फैसला नहीं है। वे लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े थे, उन्होंने छोटी सी बात की वजह से पार्टी को छोड़ दिया। खुर्शीद ने आगे कहा, ऐसा नहीं है कि हम कहीं नहीं जा सकते, लेकिन हम नहीं जाएंगे बल्कि पार्टी के साथ रहेंगे। राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने कहा कि जिस व्यक्ति के साथ सबसे बड़े सम्मान के साथ व्यवहार किया गया, उसने अपने खातिर व्यक्तिगत हमलों से पार्टी के नेतृत्व को धोखा दिया है। इससे पता चलता है कि उसका असली चरित्र क्या है। ऐसे में दोस्तों आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।